बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी फाइवर की सक्सेस स्टोरी। किस तरह से मैंने फाइवर से अर्न किया, कितना अर्न किया, मैं आपको सब कुछ शो करूँगा विथ ऑल अर्निंग प्रूफ, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी फाइवर से अर्न करना स्टार्ट कर सको। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कौन सी सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, किस तरह से मैं अपने गिग को फाइवर पर रैंक करता हूँ, किस तरह से मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। अगर आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन, क्लिक्स कुछ भी नहीं आ रहे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मैंने किस तरह से फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हैं, किस तरह से आप भी फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। गाइज, ये वीडियो जो है ना, छोटी छोटी वीडियो का कंप्लीट पैकेज है। प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को आप बिना किसी सेकंड भी स्किप किए पूरा देखिएगा। गाइज, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गाइज, इस वीडियो पे 15 मिनट या 10 मिनट, जितना भी ये वीडियो लॉन्ग हो, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं अपना कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा, कोई अफिलियट मार्केटिंग नहीं कर रहा। बस गाइज, अगर आप कहो तो मैं इस पर एड चलाना भी बंद कर दूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। देख सकते हो, अभी भी मेरे 4 ऑर्डर क्यू में है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $500 है। तो गाइज, मैं आपको शो करूँगा सब कुछ, मैंने किस तरह से फाइवर से अर्न किया, किस तरह से आप भी अर्न कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने कुछ भी नहीं करना, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना, कुछ भी नहीं करना, तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। आप फाइवर से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मुझे बताने दो मैंने कितना अर्न किया फाइवर से। जस्ट मैंने क्लिक किया अर्निंग के बटन पर। गाइज, ये मेरा बहुत ही पुराना अकाउंट है, सबसे पहला अकाउंट है। मेरे फाइवर पर 3 से ज़्यादा अकाउंट है, लेकिन ये मेरा अकाउंट सबसे पुराना अकाउंट है। इस पर मैंने अभी अर्न किया है $20,000+। अब मैं अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ यहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी टॉप रेटेड सेलर बन जाऊँगा, क्योंकि मैंने 20,000 से ज़्यादा अर्न कर लिया। तो गाइज, ये मेरा अकाउंट है जिस पर मैंने 20,000 से ज़्यादा अर्न किया। और मेरा दूसरा अकाउंट है, वो 1 साल ही पुराना है, उस पर मैंने 14,000 से ज़्यादा अर्निंग की है, 14,600 समथिंग कुछ डॉलर है। तो टोटल तकरीबन हुए $35,000। मेरे दूसरे जो अकाउंट है वो अभी नए हैं, इस पर मैंने 100-200 डॉलर की अर्निंग की है। अगर मैं $35,000 को ऑन एवरेज बताऊं, तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ $35,000 को इंडियन रुपीज़ में, तो देखते हैं वो कितना बनता है। ठीक है, मैंने कन्वर्ट किया 35,000, तो तकरीबन ये हुए 25,40,000 इंडियन रुपीज़। अगर सेम मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ USD टू PKR, तो देखते हैं कितना बनता है, $35,000। तो गाइज, ये हुआ तकरीबन 56 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। मैं आपको शो करूँगा किस तरह से आप फायर पे अर्न कर सकते हो, किस तरह से आप अपने गिग को रैंक कर सकते हो, सब कुछ, मतलब सब कुछ मैं बताऊँगा। प्लीज़ यार, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइवर पे पहला ऑर्डर ले सकते हो, किस तरह से आप अपने गिग को रैंक कर सकते हो, किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं अपने फाइवर के अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ इनकोग्निटो मोड में, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से जो फाइवर पे ऑर्डर लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो फाइवर खुद है। जब मैं नया था, तब मैं बायर रिक्वेस्ट सेंड करता था, अभी मैं कुछ भी बायर रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं सेंड करता। मैं अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, वो अपने लिए परफेक्ट कीवर्ड फाइंड करने में लगाता हूँ, ताकि मेरे गिग रैंक हो जाए और मुझे ऑटोमेटिकली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। गाइज, यही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड है। गाइज, जब मैंने स्टार्ट किया था फाइवर, तब मुझे पहला ऑर्डर आने में 3 महीने लग गए थे, और वो मेरा पहला ऑर्डर भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मसला चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंटरनेट पूरा शट डाउन कर दिया था। तो मेरा पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, मेरी रेटिंग सारी डाउन हो गई, सब कुछ डाउन हो गया। अब मैं बाय रिक्वेस्ट भी नहीं सेंड कर पा रहा था उस टाइम, तो आप समझ सकते हो मेरे लिए कितना हार्ड होगा, कितना टफ होगा उस टाइम सर्वाइव करना। उस टाइम तो इतने टीचर भी नहीं थे, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। आज तो गाइस बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हार मत माने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो तो। जब बंदा जब सक्सेसफुल बनता है, तो उसके पीछे उसका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके अलावा सक्सेस नहीं मिलती। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरह से अपने बेस्ट कीवर्ड फाइंड करना है अपने गिग को रैंक करने के लिए। गाइस, फाइवर पे मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन नीश है, वो लोगो डिज़ाइन की नीश है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा अभी कि किस तरह से मैं
इसकी जो मतलब कंपटीशन है इसको स्लो डाउन कर, इसको लो डाउन कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट लोगो डिजाइन सर्च किया, आप देख सकते हो 1,37,000 प्लस सर्विसेज आर अवेलेबल। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैं इस सर्विस को मतलब यानी इस कंपटीशन को कितना लो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने सर्च किया, जब मैंने लोगो डिजाइन सर्च करके एंटर पर क्लिक किया तो मुझे फाइवर ने सर्च किया, फाइवर ने मुझे शो किया सिग्नेचर लोगो डिजाइन, ठीक है। अब आप देख सकते हो कंपटीशन हो गया सिर्फ और सिर्फ 37,000। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर कुछ है, कुछ अच्छा कीवर्ड मिल जाए तो यहाँ पर देखता हूँ मैं इन लोगों ने कौन से कीवर्ड यूज़ किए। आई विल डिज़ाइन एलिगेंट सिग्नेचर लोगो, लग्जरी सिग्नेचर लोगो विथ इनिशियल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे कोई अच्छा कीवर्ड मिल रहा है यहाँ से, ताकि मैं उसको कॉपी कर लूँ। जैसा कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, सॉरी इस बंदी को, तो मैंने इसका यहाँ पर इसने यूज़ किया है हैंड ड्रॉन सिग्नेचर लोगो, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से सर्च करता हूँ, हैंड ड्रॉन सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन। अब देखते हैं कितना कंपटीशन हो गया, 21,000, और काफ़ी कम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ किस बंदे ने कोई अच्छा कीवर्ड यूज़ किया है, ताकि मैं उसको यूज़ करके अपना मतलब जो कंपटीशन उसको बहुत ही लो कर दूँ। अभी ऑलरेडी 1,37,000 से 20,000 पर आ गया है, ठीक है। अभी मैं सर्च करता हूँ, इस पर्सन ने यूज़ किया वाटर कलर लोगो, हैंड ड्रॉन वाटर कलर सिग्नेचर लोगो, मैंने सर्च किया, अभी देखते हैं कितना सर्विस, 11,000, काफ़ी और कम हो गया, ठीक है। 1,37,000 को बीट करना बहुत मुश्किल था, अभी और थोड़ा आसान हो गया। अभी मैं और कीवर्ड फाइंड करता हूँ, कोई अच्छा कीवर्ड मिल जाए तो देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई अच्छा कीवर्ड और भी मिल जाए तो आई विल डिज़ाइन हैंड ड्रॉन सिग्नेचर लोगो, देख सकते हो वाटर कलर लोगो, हमने वाटर कलर ऑलरेडी यूज़ कर दिया है। आई विल डिज़ाइन सिग्नेचर बिजनेस लोगो, ठीक है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस यहाँ पर कीवर्ड, लेकिन गाइस अगर मैं सोचूँ बिजनेस लोगो डिज़ाइन, यानी बिजनेस लोगो डिज़ाइन में कौन से बिजनेस में ये लोगो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब क्लोथिंग ब्रांड के अंदर मतलब कपड़े के ऊपर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह के मतलब कपड़े बना सकते हैं जिस पर लोगो बना हुआ हो, तो वो अच्छा कीवर्ड होगा। तो देखते हैं इस पर कितना कॉम्पिटिशन है, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन फॉर क्लोथिंग, अभी ये सर्च करते हैं, ओनली 770 सर्विसेज आर अवेलेबल, यू कैन सी गाइस 1,37,000 सर्विसेज थी, अभी सिर्फ और सिर्फ 770 है। आप इसको इजीली बीट कर सकते हो, और देख सकते हो यहाँ पर सबको ऑर्डर मिला हुआ है, मतलब ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। आपने इस कीवर्ड पर अपने गिग को बनाना है, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया नोटपैड 5 में, आई विल डू सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन फॉर क्लोथिंग इन 12 आवर्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड मिल गया, अगर आप इस कीवर्ड पर गिग बनाओगे तो आपकी गिग 101% रैंक कर जाएगी। आपने ये जो अपना कीवर्ड है सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन फॉर क्लोथिंग, इसको टाइटल में यूज़ करना है और 2-3 बार डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, तो मेरी गारंटी है आपकी गिग 100% रैंक कर जाएगी। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूँ तो वो है वर्डप्रेस वेबसाइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने सर्च किया वर्डप्रेस वेबसाइट, अगेन 56,000 सर्विसेज आर अवेलेबल, यू कैन सी। अब मैं देखता हूँ एक फाइवर मुझे कोई कीवर्ड रिकमेंड करता है, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट पर क्लिक किया और देख सकते हो फाइवर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, देख सकते हो वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, देखते हो फाइवर ने मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे सर्च शो किया। अब मैं कोई भी इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, देखते हैं अब इस पर कितना सर्विसेज आर अवेलेबल है। ओ माय गॉड, इस पर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब हमें इस पर काम नहीं करना, ये कीवर्ड बहुत ही हार्ड है न्यू न्यू पर्सन के लिए रैंक करने के लिए। मैं आपको शो करता हूँ किस तरह से आप उसको और कम कर सकते हो। गाइस वर्डप्रेस को शॉर्ट फॉर्म में WP भी बोलते हैं, वर्डप्रेस को WP यानी वर्डप्रेस। हम यहाँ पर सर्च करते हैं बिजनेस WP वेबसाइट डिज़ाइन, देखते हैं उस पर कितना कीवर्ड अवेलेबल, कितना कंपटीशन अवेलेबल है, ओनली 8,500, देख सकते हो मतलब आप समझ सकते हो कितना मतलब कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। इसको अगर हम और लंबा करें, आई विल डिज़ाइन आई विल मेक बिजनेस ई कॉमर्स
वेबसाइट डिज़ाइन, देखते हैं इस पर कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया क्योंकि ई कॉमर्स मैंने यूज़ कर दिया। इसको रिमूव कर लेते हैं बिजनेस को, देखते हैं ई कॉमर्स WP वेबसाइट डिज़ाइन ओनली 2171 सर्विसेज आर अवेलेबल। अगर मैं सर्च करूँ WP वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, देखते हैं उस पर कितना कीवर्ड, कितना कंपटीशन अवेलेबल है। ओनली 3900, इस पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। WP वेबसाइट डिज़ाइन एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इस पर देखते हैं कितना कंपटीशन अवेलेबल है। 25000, ये तो बहुत बढ़ गया। WP वेबसाइट डिज़ाइन, ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अभी थोड़ा रिस्की है काम करने के लिए, उससे कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। WP ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, इसको सर्च करते हैं। गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस पर अच्छा टाइम दिया, अच्छी तरीके से अपना काम किया, तो आपका मतलब गीक ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। आप देख सकते हो ओनली 21000 सर्विसेज आर अवेलेबल एंड सबको उस पर, इस चीज़ पर भी ऑर्डर मिला है, तो इस चीज़ पर भी आप काम कर सकते हो। तो गाइज मैंने सो गया लोगो डिज़ाइन का, किस तरह से मैंने 1,47,000 सर्विसेज को ओनली 700 सर्विसेज अवेलेबल पर ला दिया, कितना कंपटीशन मैंने कम कर दिया। आपको भी इस तरह से कीवर्ड को फाइन करना है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़, आपने आपने बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बायर रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है तो आपको किस तरह से सेंड करनी है, उसको अपने तीन सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट आपने जो भी आपने अपने क्लाइंट को ये फील करवाना है कि उसने जो भी बायर रिक्वेस्ट पोस्ट की है उसको आपने पढ़ा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना है तो आपने इसको पहले क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में, हेलो सर, I see your request about YouTube channel growth and marketing, ठीक है। I see, आपको पूरा का मतलब पूरा उसका जो बाय रिक्वेस्ट उसने सेंड किया है, आपको अपने क्लाइंट को ये फील करवाना है कि आपने पूरा पढ़ा, आपने किसी भी तरह से स्किप नहीं किया। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट को सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब पर, चैनल पर, या यूट्यूब के वीडियोस पर व्यूज चाहिए, तो आपको किस तरह से राइट करना है। देखो, पहले आपने राइट करना है, हेलो सर, आई सी योर रिक्वेस्ट अबाउट योर यूट्यूब चैनल ग्रोथ एंड मार्केटिंग, आई सी यू वांट टू ग्रो योर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड व्यूज ऑन योर वीडियो, ठीक है। अब आपने लिखना है दूसरा चीज़, ये चीज़ पहला हो गया, पहले आपको अपने क्लाइंट को फील करवाना है कि आपने पूरा रिक्वेस्ट पढ़ा। अब दूसरी चीज़, अपने अपने क्लाइंट को ये बताना है कि आपको, आप ही इस काम के लिए एलिजिबल हो, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है। आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव 6 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन YouTube marketing and SEO. I will grow your channel very fast in just 1 week. ठीक है, अब अगर ये यहाँ तक मैंने राइट कर लिया, ठीक है, पहली चीज आपने अपने क्लाइंट को फील करवाना है कि आपने पूरा पढ़ा, दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप ही इस काम के लिए बेस्ट हो, तीसरी चीज़ आपने कुछ बोनस अपने अपने क्लाइंट को देना है ताकि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। आपने जस्ट राइट करना है, विथ माय सर्विस यू विल नॉट गेट ओनली सब्सक्राइबर, यू विल ऑल्सो गेट व्यूज ऑन योर वीडियो, लाइक, डिसलाइक, कमेंट। अपने आप मतलब ऑनेस्टली अपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ऑन योर वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, यू कैन सी। अगर आप इस तरह से बाय रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो मेरी गारंटी है गाइज, आपको ऑर्डर जरूर जरूर मिलेगा। और लास्ट में आपने राइट करना है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स।
अपने इस तरह से राइट करना है। अगर आपने इस तरह से बाय रिक्वेस्ट सेंड की, पहली चीज़ आपके अपने क्लाइंट को फील करवाना है कि आपने पूरा पढ़ लिया। दूसरी चीज़ अपने आपको अपने क्लाइंट को ये बताना है कि मुझे कितना वर्क एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़ आपने बोनस देना है। चौथी चीज़ आपने बताना है कि आप प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, और अगर आप ये भी राइट कर सकते हो और यू कैन प्लेस योर ऑर्डर, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, और यू कैन प्लेस ऑर्डर डायरेक्टली ऑन माई सर्विस, थैंक्स। ठीक है, अब इस तरह से अगर आप बाय रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो मेरी गारंटी गाइस आपकी बाय रिक्वेस्ट जरूर 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 अप्रूव होगी और आपको जरूर 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 ऑर्डर मिलेगा। ठीक है गाइस, मैंने पहले बता दिया किस तरह से अपना कीवर्ड को फाइंड करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है। अब दूसरी चीज़ मैंने बता दी किस तरह से अपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब गाइस तीसरी चीज़ के फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करें। गाइस फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने का जो सबसे बेस्ट और जो सबसे सेफ मेथड है वो ये है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि आप अपने लैपटॉप से अलग कर दो। आप एक एक लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते, एक लैपटॉप पे सिर्फ और सिर्फ एक आईपी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अकाउंट बनाया तो फाइवर आपको इमीडिएटली बैन कर देगा। तो मेरे हिसाब से मेरे खुद के तीन लैपटॉप है, और ठीक है मेरे तीन लैपटॉप पर मेरे तीन फाइवर के अकाउंट है, बाकी दूसरे जो अकाउंट है दूसरे तीन चार वो सब मैं अपने दोस्तों के लैपटॉप पे मैनेज करता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे सेफ मेथड है फाइवर के मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने का। आप लैपटॉप परचेज अगर वाईफाई सेम हो तो चलेगा, मैं अपने तीनों फाइवर के अकाउंट तीन लैपटॉप में से सेम वाईफाई पर यूज़ करता हूँ, इससे मुझे इससे कोई भी मसला नहीं होगा। वाईफाई सेम होगा तो चलेगा, अगर आप 10 अकाउंट भी चलाओगे 10 अलग अलग लैपटॉप पर लेकिन आपका वाईफाई सेम है तो कुछ भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने एक ही लैपटॉप पे 10 अकाउंट चलाए सेम वाईफाई से तो आपके 10-10 अकाउंट पल में डिलीट हो जाएंगे। तो गाइस ये भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आप फायर पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब चौथी चीज़, मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो ये है वीडियो क्रिएशन। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले, वीडियो क्रिएशन ओनली 200 सर्विसेज आर अवेलेबल। यू कैन सी प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो क्रिएशन, और आप प्रोवाइड कर सकते हो बिजनेस वीडियो क्रिएशन, बिजनेस वीडियो क्रिएशन इसको मैं बनाता हूँ विडनामी को यूज़ करके। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियोज इस पर बनाई हुई है किस तरह से मैं विडनामी को यूज़ करता हूँ। ये मेरी वीडियो है, इस पर मैंने लाइव ऑर्डर $100 का विडनामी को यूज़ करके डिलीवर किया है। मैंने सब कुछ शो किया है, कौन सी सर्विस है, किस तरह से मैं डिलीवर करता हूँ सब कुछ। और विडनामी की जो प्राइस है वो $50 पर मंथ है, लेकिन अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे फेसबुक पे, जो मेरा लिंक है होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको विडनामी फुल एक्सेस दूंगा ओनली $10 पर मंथ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इससे मैं अर्न करता हूँ वो है बिजनेस वीडियो क्रिएशन। ये सर्विस से मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ विडनामी को यूज़ करके। दूसरी जो मेरे है वो है यूट्यूब एसईओ। इस पर मैं काम करता हूँ, इस पर से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा अर्न किया। मैं वीडियो को रैंक करता हूँ, कीवर्ड फाइंड करता हूँ, ये भी मैंने बताया हुआ है मेरी इस वीडियो में। ये $500 पर डे इस पर मैंने शो किया है किस तरह से मैंने $500 का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, और SEO की यूट्यूब सब्सक्राइबर दिए मेरे क्लाइंट को मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करके, और $500 का ऑर्डर डिलीवर किया सिर्फ वन डे में। और ये वाली वीडियो भी है $95 in 20 minutes, इसमें भी मैंने कंप्लीट शो किया है किस तरह से मैं यूट्यूब की SEO करता हूँ, किस तरह से मैं कीवर्ड फाइंड करता हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, अब मैं जो मेरी तीसरी सर्विस है वो है डोमेन नेम रिसर्च। इस पर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले। डोमेन नेम रिसर्च सिर्फ 311 सर्विसेज आर अवेलेबल। इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई है, आप फाइंड कर सकते हो। शायद वो है ये वाली, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डोमेन रिसर्च वाली वीडियो है ये वीडियो भी गाइज यूट्यूब SEO वाली है। ठीक है, ये रही वीडियो, $5 in 5 minutes। इस पर मैंने कम्प्लीटली शो किया है कि मैं किस तरह से डोमेन रिसर्च करता हूँ, मेरा खुद का फाइवर का ऑर्डर ओपन करके मैंने डिलीवर किया है लाइव स्क्रीन पे। गाइज ये मेरे चैनल की ब्यूटी है, ये आपको कोई भी जगह देखने नहीं मिलेगा, कोई भी अपना ऑर्डर शो नहीं करता और कोई भी अपना ऑर्डर लाइव डिलीवर नहीं करता। गाइज ये मेरे चैनल की ब्यूटी है, सिर्फ मैं करता हूँ यूट्यूब पर। तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज मैंने अपने फाइवर की अर्निंग से iPhone 12 Pro Max भी परचेज किया है, जिसकी वैल्यू $1,500 है।
तो गाइज आप भी फाइवर से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मैंने शो किया किस तरह से आपको पाई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, किस तरह से आपने रैंक करना है गिग को सब कुछ। अब इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से आप मैंने $550 का ऑर्डर लाइव डिलीवर किया है। अब गाइज आपने सिर्फ वॉच करके बैठ नहीं जाना, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके शेयर करके बैठ नहीं जाना गाइज। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम देख तो सब कुछ लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। गाइज फाइवर बहुत ही ईजी मेथड है, समझो मेरी बात को। पैसे आप टेबल पर छोड़ के जा रहे हो, टेबल पर पैसे पड़े उसको आप उठा नहीं रहे हो। बहुत ही मतलब इजी वे है फाइवर से अर्न करना। तो यार जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सर्विस को प्रोवाइड करो, जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करो, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बाय रिक्वेस्ट सेंड करो। और ये सभी वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि किस तरह से मैंने ऑर्डर डिलीवर किए, सब कुछ लाइव ऑर्डर डिलीवर किए। तो इन वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर देना अगर आपके पास टाइम हो तो। और गाइज मैंने ये भी बताया कि मैंने टोटल कितना अर्न किया फाइवर से। तो आई होप गाइज ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर देना। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपकी सबकी हेल्प हो जाए। और गाइज मैं अपना ऑर्डर सब कुछ लाइव डिलीवर करता हूँ, तो ये मेरे चैनल की सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो गाइज प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ जरूर देना। अगर हाँ गाइज अगर आपके चैनल पे इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपने अपने गिग को बनाना है, ठीक है। उसको अपने अच्छी तरीके से मोनिटाइज करना है, जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से कीवर्ड को फाइंड करके अपना मेन कीवर्ड है टाइटल में और 2 बार डिस्क्रिप्शन में, 3 बार डिस्क्रिप्शन में यूज़ करके अपने गिग को लाइव करना है। और वही सेम कीवर्ड अपने टैग के अंदर भी यूज़ करके अपने गिग को लाइव करना है, अच्छी से अच्छी फाइवर गिग इमेज बना करके। फाइवर गिग इमेज बनाना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको अच्छी से अच्छी गिग इमेज बनानी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सको। इसके लिए आपने लाल पीले इस कलर के इस तरह से कलर को यूज़ करना है। देख सकते हो ये बंदा किस तरह से दिख रहा है, सभी सर्विस के अंदर देख सकते हो, सभी प्रोफाइल के अंदर ये प्रोफाइल सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि इसने इस तरह से कीवर्ड को यूज़ किया है, कीवर्ड को नहीं सॉरी कलर को यूज़ किया है सॉरी। तो गाइस आपने अच्छे से अच्छे कीवर्ड रिसर्च करके उस पर अच्छी से अच्छी फाइवर की गिग इमेज लगा करके सबसे पहले आपने अपनी सर्विस को लाइव करना है। फिर आपने 1 हफ्ते या 1 हफ्ता या 10 दिन तक वेट करना है। अगर आपकी सर्विस पे अच्छे इंप्रेशन और अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं तो आपने उस सर्विस को रहने देना है, ठीक है। अगर आपकी सर्विस पर अच्छे इंप्रेशन, अच्छे क्लिक सब कुछ आ रहा है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने प्राइस को थोड़ा कम कर लेना है और अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छा राइट करना है और अपना जो पैकेज है उसमें भी थोड़ा अच्छी तरीके से राइट करना है, ठीक है। अगर आपकी आपने गिग बनाई उस पर इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ और क्लिक्स नहीं आ रहे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने गिग इमेज को डिलीट करना है और अच्छी बनाना है। इंप्रेशन का मतलब गाइज इस तरह, मैंने कोई कीवर्ड सर्च किया और मैंने सब यहाँ से तक वॉच किया, ठीक है, नीचे तक, तो आप सबको एक एक इंप्रेशन मिल जाएगी। अब गाइज मैंने व्यूज़ का मतलब क्या है, व्यूज़ और क्लिक्स का, मैंने सब मैंने देखा, डोमेन रिसर्च सर्च किया, सब सर्विसेज को देखा, लेकिन ये वाले बंदे की मुझे सबसे ज़्यादा इमेज अट्रैक्ट करी, टाइटल अट्रैक्ट किया, तो मैंने इसको ओपन करके क्लिक किया, तब ये 1 क्लिक हुआ, ठीक है सर। गाइज समझ आ गए आपको किसको इंप्रेशन बोलते हैं और किसको क्लिक बोलते हैं। अगर मैं इस तरह से स्क्रॉल करूँगा तो सबको एक इंप्रेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको भी समझ आ जाएगा कि आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हो लेकिन क्लिक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने गिग इमेज को अच्छा नहीं यूज़ किया, तो आपने अपने गिग इमेज को मॉडिफाई करना है। अगर सब कुछ आ रहा है, इंप्रेशन भी आ रहा है, व्यूज़ भी आ रहा है, क्लिक्स भी आ रहा है, फिर भी अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो प्राइस उसको थोड़ा कम करना है और डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा डिटेल में कि किस तरह से फाइवर से अर्न किया जा सकता है। ये बहुत ईजी है, फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करना भी बहुत ईजी है, आपने जस्ट ज्वाइन पर क्लिक करना है और आप अपने गूगल के थ्रू यहाँ पर फाइवर पर अकाउंट बना सकते हो। और गाइस अकाउंट का जो नेम है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपना जो ओरिजिनल नेम हो उसके रिलेटेड बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नदीम है, तो मैं बनाऊंगा नदीम SEO और नदीम रिसर्च लाइक दिस। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अगर लोगो डिज़ाइन पर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप इस तरह का कीवर्ड बनाए कि अपना नाम चूज़ करें, लोगो डिज़ाइन 1 2 3 इस तरह से कुछ भी, मतलब इस तरह से आप ना बनाए, क्योंकि आप अगर इस तरह से अकाउंट बनाए गए इस तरह के नेम पर तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज ही दे पाओगे। अगर आपको YouTube SEO की मतलब दूसरी कोई WordPress की इस तरह की सर्विस देनी हो तो आप नहीं दे पाओगे। तो गाइज आई होप आपकी आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज। आई होप प्लीज़ आपने ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ आई विल मेक ऑल वीडियोज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो मेनी पीपल टोल्ड मी टू मेक वीडियो वन वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज इन डिटेल वीडियो, सो आई मेक दिस वीडियो ऑन अ ह्यूज डिमांड। आपसे मेरी जो वीडियो होगी सब इंग्लिश में होगी, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।